तुझ में नहीं कुछ मेरा, तेरा मैं तेरा मैं तेरा। तुम्हें क्या, तुम्हें लगा तुम्हारे बारे में पूछ, मैं तो अपनी बात करी और तुम्हारी तारीफ करूँगी। ओ हेलो, शीशा उधर एक बार देखो, खुद को देखो ना, मुझे खुद को देखो, क्या हो तुम, क्या औकात है, क्या हैसियत है तुम्हारी। डिवोर्स हो चुका है लेकिन फिर भी इस घर में पड़ी हुई हूँ। देखते ही देखते देखिए वो घड़ी आ गई जब लक्ष्मी अपने हाथों में विक्रांत के नाम की मेहंदी लगाएगी। अब ये मेहंदी का फंक्शन शुरू हो उससे पहले सज धज कर आईने के सामने लक्ष्मी बैठी है, शायद ना वो कुछ सोच रही है। तभी इतने में मलिष्का की एंट्री हो गई और अब मलिष्का को जब अकेली मिली है लक्ष्मी तो भाई वो तानों की बौछार कैसे ना करे भला। बलविंदर जैसे दो कौड़ी के घटिया लड़के के साथ शादी करने के लिए तो कितनी जल्दी तैयार हो गई थी, और यहाँ विक्रांत उसे जेंटलमैन उससे शादी तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। देखो तुम्हारी शादी ऋषि से हुई थी लेकिन फिर भी तुम शादी का वेट कर रही हो। बलविंदर से लेकर उसकी बात शुरू हुई, बीच में विक्रांत पर भी आई और ले देकर ऋषि पर आकर उसकी सुई अटक गई। अब उसके लिए तो ये पल बहुत ही खास है क्योंकि उसे लगता है कि जितने जल्दी हो सके ये बला इस घर से जाए। लक्ष्मी आज ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ मैं, और आज मैं बहुत डांस करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारी सगाई की मैंने डांस किया था ना, तो आज तुम्हारी मेहंदी के लिए मैं डांस करूँ। अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा तुम्हारे इस घर में, कुछ दिन की मेहमान, उसके बाद तो मैं आऊंगी ना इस घर में बहू बन के। आज तुम्हारी मेहंदी है ना, हाँ तुम्हारे हाथ में विक्रांत के नाम की मेहंदी लगने वाली। जल्दी से विक्रांत से शादी करो और जाओ यहाँ से। अभी दोनों ही चीज़ें कर रही थी बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं उसे टॉन्ट भी करना था कि अब तुम जाने वाली हो, और मैं खुश भी हूँ कि अब वो जा रही है, और गुस्सा भी हूँ कि वो आई क्यों, और काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस हैं। बट ऑफकोर्स लड़की लड़कियों में तो ये चलता ही है, थोड़ी जेलसी, थोड़ा सा सुनाना, ये वो सब चलता रहता है, इट्स फाइन। मलिष्का लक्ष्मी को कितनी बातें सुना रही है, अब लक्ष्मी भी इंसान है, उसके भी सब्र का बांध टूटेगा। और फिर क्या, जब उसने सुनाना शुरू किया तो बोलती बंद हो गई मलिष्का की। ये कहना है, कहना तो बहुत कुछ चाहती, शायद तुम सुनी। मेरी सहन शक्ति का अंदाजा नहीं है हमेशा, जितना तुमने बोला है और जितना तुम बोल सकते हो सब सहन कर सकते हो। इधर दोनों की टशनबाजी खत्म हुई तो मेहंदी के फंक्शन में ऋषि आ गया। अब ऋषि तो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये मेहंदी हो, लेकिन लक्ष्मी के जिद के आगे उसकी एक नहीं चल रही है। मेहंदी है लक्ष्मी और विक्रांत की, पर मुझे नहीं पता मैं क्यों सजा हुआ मेरा छोड़ो ऋषि भी सजा हुआ है। आई लव माई ड्रेस, मुझे आज का ये लुक बहुत अच्छा लगा है, एंड आई लव ऑल माई लुक्स एक्चुअली, लेकिन ये बहुत सुंदर है, एंड मेरे बाल भी ऐसा डिफरेंट बने हैं। फिलहाल मेहंदी की तैयारी हो चुकी है, फंक्शन तो होगा लेकिन सियापे के साथ होगा, इसकी गारंटी तो हम देते हैं। वैसे आप सबको बता दें कि जैसे हमने कहा था कि शादी तो गिरते पड़ते होगी, लेकिन किसकी शादी किससे होगी ये तो अभी भी एक सवाल बना हुआ है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।